दोस्तों हम सभी गूगल ड्राइव का यूज करते हैं। गूगल ड्राइव में आप आपका कीमती डेटा स्टोर करके रख सकते हैं। ये डेटा किसी भी तरह का हो सकता है, चाहे फोटो हो, वीडियो हो, डॉक्यूमेंट्स हो या MP3 फाइल्स, जो भी आप इसमें सेव करना चाहें स्टोर करके रख सकते हैं। लेकिन कई बार इसमें कुछ इस तरह की प्रॉब्लम आ जाती है और ये प्रॉब्लम आने पर आप इसमें डेटा स्टोर नहीं कर पाते हैं। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि इस प्रॉब्लम को कैसे दूर किया जाता है। आइए चलते हैं स्क्रीन की ओर। चलिए स्क्रीन पे आ गए हैं हम, इस प्रॉब्लम को दूर करते हैं। इसे दूर करने के लिए हमें सबसे पहले सेटिंग्स में जाना होगा। सेटिंग्स को ओपन कर लेते हैं। ये हमारी सेटिंग्स ओपन हो गई हैं। इसके बाद आपको जाना होगा ऐप्स में। आपके मोबाइल में ऐप्स होगा या ऐप मैनेजर होगा, उसे ओपन कर लीजिएगा। इसके बाद आपको यहाँ सर्च करना है ड्राइव। ड्राइव को हम सर्च कर लेते हैं। देखिए ये है ड्राइव का आइकॉन। इसके बाद आपको आना है यहाँ स्टोरेज पर। इस जगह पर आने के बाद आपको करना है क्लियर डेटा। क्लियर डेटा जब आप करेंगे तो कैश भी क्लियर हो जाएगा। ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, ये है क्लियर डेटा। ये देखिए 35.67 का डेटा है और कैश है 90.11 KB। इसे हम करते हैं क्लियर डेटा। इसे हम करते हैं डिलीट। देखिए ये दोनों चीज़ें यहाँ पर जीरो हो गई हैं, ठीक है। इसके बाद हमें जाना है प्ले स्टोर पर। इसके बाद हम आएंगे प्ले स्टोर पर और यहाँ पर लिखेंगे ड्राइव। ड्राइव को आने के बाद यदि आपके फ़ोन में ड्राइव अपडेटेड ना हो तो उसे अपडेट कर लीजिएगा। मेरे फ़ोन में अपडेट है इसलिए ओपन दिखा रहा है, हम इसे ओपन कर लेते हैं। इसके बाद मित्रों आप जो भी फाइल अपलोड कर रहे थे और उसमें प्रॉब्लम आ रही थी वो आना बंद हो जाएगी। गूगल ड्राइव में डेटा कैसे स्टोर किया जाता है उसके लिए ये वाला वीडियो देखिएगा। कीप लर्निंग एंड सब्सक्राइब।